हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है उसी के आगे कल हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल था वो पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, हमने कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाए। केवल वही जो आपको 10 नियम बताया है मैंने, केवल वही 10 नियम आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा कि पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर से आप इसको देखिएगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज दोस्तों हम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्न हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सारे प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसलिए जो है अगर वो नियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और इसमें भी प्रश्न के साथ साथ हम लोग जो है उसको हल करते चलेंगे, मतलब उस पर कौन सा नियम लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि शॉर्ट में अर्थात देखते ही कैसे हम हल करेंगे, मतलब देखते ही कैसे हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। केवल विकल्प से हम अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहचानने का तरीका जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मुश्किल से 10 सेकेंड में, 10 से 15 सेकेंड के अंदर अंदर आप बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना परिवार द स्पीड स्टडी। और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट में आइए जय हिंद, कमेंट में आइए जय हिंद, जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ दोस्तों। तो देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आप जो है गोल्डन रूल नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी पर आधारित पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी हाँ, 50 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रहेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैंने कहा कि ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगा। लिखा है कि डू यू नो द वे टू द बस स्टेशन, राम सेड टू महीम। राम ने महीम से कहा कि डू यू नो द वे टू बस स्टेशन, बस स्टेशन का रास्ता आप जानते हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो देख रहे हैं यहाँ पे डू है और डू यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो अर्थात जिसमें आपका डू है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाएगी वहीं पर आपका आंसर रहेगा। और दूसरी चीज, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्टिंग, अर्थात इफ या वेदर लगेगा कॉमन यूनिट का हटाने के लिए। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहां भी इफ है, यहां भी इफ है, और इसमें क्या है, वेदर है दोस्तों, और यहां पे दैट है, अर्थात ये गलत हो गया। अब इस तीन में से एक होगा तो हैड होगा नहीं दोस्तों, नोज होगा नहीं दोस्तों, अर्थात होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहां पे देखिए न्यू लिखा हुआ है, नो का सेकंड फॉर्म, नो न्यू नोन। ठीक, तो डू लिखा है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है, तो केवल आप हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, बस यही आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आपका है कि रीना सेड टू रमेश आई शैल मीट यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दोस्तों साधारण है, अर्थात कॉमन यूनिट कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बिल या सेल है तो उड या सुड लगेगा दोस्तों, उड या सुड लगेगा, और यहाँ पे रीना है दोस्तों तो रीना के लिए सी लगता है, ही नहीं लगता, तो ये गलत हो गया, अर्थात ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए आई विल मीट यू, तो बिल का हो जाएगा उड, तो आई उड मीट, अब देखिए यहाँ पे यू लिखा है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रमेश के लिए होगा, तो मीट किससे, रमेश से, तो रमेश के लिए दोस्तों हो जाएगा क्या, हिम। तो देखिए उड मीट हिम एंड मोहन लिखा है तो एंड मोहन हो जाएगा, तो देखिए हिम और मोहन कहाँ पे हैं, ये है दोस्तों, यहाँ पे हिम भी है और मोहन भी है, तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ट्रिक क्या थी कि यहाँ पर विल था तो
पहली चीज तो उड होगा, उड यहां भी है, हर जगह था दोस्तों। फिर हमने देखा यहां पे यू है, यू सेकंड पर्सन के अनुसार अर्थात रमेश के अनुसार, तो इसलिए हिम होगा, अर्थात अब ये दो गलत हो गया दोस्तों, अब इस दो में से एक सही होगा। यहां पे दोस्तों हर है और यहां पे किसी का नाम है, जब किसी का नाम रहेगा दोस्तों तो नाम ही लिखा जाएगा, अर्थात यही आ जाएगा आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, जाने से टू मी डू यू वांट टू डांस, अब डू लिखा है दोस्तों, अर्थात इफ या वेदर होगा ये तो आप जान लीजिए, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि दैट लिखा है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब डू लिखा है अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में है, तो देखिए यहाँ पे वांटेड है और यहाँ पे वांट है, अर्थात यही आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करिए बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने कहा दोस्तों कि केवल आपको हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है, वर्ब देख लेनी है, अगर ये दोनों सेम मिल जाए तब फिर आप अदर चीज प्रोनाउन नाउन ये सब देखिए। जैसे आगे चलते हैं दोस्तों, लिखा है आर यू द मैनेजर आई सेड, तो अब यहां भी देख रहे हैं आर लिखा है, अर्थात इफ या वेदर होगा, तो यहां भी वेदर है, यहां भी वेदर है, अर्थात चारों जगह वेदर है दोस्तों। ठीक, आई सेड, तो आई सेड का मतलब आई आस्क्ड हो जाएगा, वर्ब दिया नहीं है इसलिए ये नीचे वाला दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आर इज आर एम का दोस्तों वाज वर हो जाता है, तो ही के साथ दोस्तों चूंकि यहां आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहां यू है, तो यहां पे यू होगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। जैसे आगे चलते हैं पांचवे क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है विक्रम सेड टू गोपाल व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स। अब देखिए दोस्तों व्हाट लिखा है अर्थात क्वेश्चन वर्ड है, और मैंने कहा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड उतार लिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये तो होगा नहीं क्योंकि सेड टू ही है, सेड टू ही है, और यहाँ पे देखिए दैट और व्हाट दोनों हो गया, ये गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि व्हाट लिख लिया जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो उतार दिया जाएगा, और डिड का दोस्तों हमने बताया था कि क्या होता है, हेड होता है। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। आगे चलते हैं, लिखा है हैव यू फिनिश योर वर्क अहमद आस्क्ड विनोद, तो अब चूंकि हैव लिखा है वर्ब की फर्स्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ या वेदर लगेगा दोस्तों, तो देख रहे हैं हर जगह वेदर ही है दोस्तों। तो अब देखिए विनोद आस्क्ड अहमद, विनोद आस्क्ड अहमद, देखिए कहाँ है विनोद आस्क्ड अहमद, उसके बाद यू हैव लिखा है तो हैड हो जाएगा, तो विनोद आस्क्ड अहमद यू हैड कहाँ है देखिए दोस्तों, विनोद आस्क्ड अहमद, उसके बाद फिर दोस्तों ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यही आपका अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर बताऊंगा दोस्तों। आगे चलते हैं सातवें नंबर पर, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों मिस्टर प्रधान सेड आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, देखिए मिस्टर प्रधान सेड कॉमन वर्ड कमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है यानी कि ही हो जाएगा दोस्तों, तो अब देखिए आई वाला ये गलत हो गया, अब इन तीन में से कुछ होगा, सेल है दोस्तों तो सुड, सेल को सुड में और विल को उड में बदल देते हैं, तो सुड या उड होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों चूंकि ही लगा है और ही के साथ दोस्तों उड होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे होता है। आगे चलते हैं आठवां, क्या कह रहा है कि आर योर एग्जामिनेशन ओवर आस्क्ड द टीचर, देख रहे हैं दोस्तों आर लिखा है यानी कि इफ या वेदर देखना है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आस्क के बाद ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सिड हिम दैट है ये गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि वेदर यहीं पर लगा है। आगे चलते हैं नौवा, लिखा है दोस्तों सैम विल यू हेल्प मी क्राई कैरी माई बैग्स आस्क्ड द ओल्ड वोमेन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों द ओल्ड वोमेन आस्क्ड टू सैम या द ओल्ड वोमेन आस्क्ड सैम
और विल यू लिखा है अर्थात इफ या वेदर लगेगा। तो अब देखिए सेम हो गया। अब यहाँ पे तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, ना इफ लगा ना वेदर, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं दोस्तों इफ या वेदर नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, यू यानी कि ही विल कैरी माई बैग, तो विल कैरी ही अब विल का उड हो जाएगा, हेल्प हर कैरी हर बैग। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, चूंकि हर, इसलिए हर का मतलब स्त्रीलिंग के लिए हर लगता है और लड़के के लिए हिज लगता है या हिम लगता है, तो यहाँ पे हिम है, तो वुड हेल्प हिम कैरी हर बैग, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दसवां, ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली। तो देखिए ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली, इसको आपको जो है रुक जाएगा दोस्तों, इसमें ये दूसरा आ गया कुछ, ठीक, ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली, या तो फिर होना चाहिए गुड मॉर्निंग आगे, तो हो जाता दोस्तों ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ठीक। तो इसको अगर करेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ आगे गुड मॉर्निंग लिख देंगे, तो ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो इसका जब इनडायरेक्ट करेंगे दोस्तों तो ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ही सेड, एक मिनट रुक जाएगा, कह रहा है ही सेड टू हिज फादर शैल आई गो टू मार्केट नाउ। तो अब शैल से स्टार्टिंग है यानी कि इफ या वेदर से, इफ या वेदर होगा, इफ हर जगह है दोस्तों, ठीक है, ही भी हर जगह है, ठीक है। अब देख रहे हैं शैल है तो या तो उड होगा या तो सुड होगा, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब ही के साथ उड लगता है अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर, देखते हैं क्या है 12 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बारो योर डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली। तो कैन है अर्थात इफ या वेदर लगेगा, तो इफ या वेदर हर जगह है दोस्तों, फिर आई हर जगह है, अब कैन है तो कुड होगा दोस्तों, तो कुड यहाँ पर है, कुड यहाँ पर है, ये दोनों गलत हो गया। फिर आगे देखिए बारो हिज डिक्शनरी, योर, योर का मतलब कि माई फ्रेंड के लिए लगा है तो इसलिए हिज हो जाएगा, तो ठीक है हर जगह हिज है, डिक्शनरी भी हर जगह है, फॉर भी हर जगह है, वन डे ओनली, और वन डे ओनली, वन डे ओनली। चलिए दोस्तों तो अब देखिए बारो हिज डिक्शनरी, आई कुड बारो हिज डिक्शनरी, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं और सेड टू को आस्क में, यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल है, बिल है तो इफ या वेदर होगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर सही है दोस्तों। अब यू सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ, तो यू सिट एंड स्टडी, तो विल लिखा है दोस्तों तो उड होगा, तो उड हमारा यहाँ पर है, उड हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इंक्वायर्ड, फादर जो है अपने बेटे से पूछेगा थोड़ी, पूछेगा नहीं दोस्तों, इंक्वायर्ड करेगा, अर्थात ये आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 कह रहा है कि टीचर अपने अध्यापक से कहा डू यू हैव एनी एक्सक्यूज कमिंग लेट टू स्कूल टूडे, तो इफ या वेदर होगा आपका, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी आस्क्ड है, यहाँ पे भी आस्क्ड है, यहाँ पे भी आस्क्ड है, यहाँ पे भी आस्क्ड। अब आगे चलिए वेदर है, वेदर है, वेदर है और वेदर है दोस्तों, हर जगह वेदर है। फिर आगे चलिए यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है। चलिए आगे चलिए, अब देखिए हैव लिखा है तो अर्थात हैड होगा, ये दो गलत हो गया। अब तीन या चार में कोई एक आंसर हो सकता है। अब टूडे है, टूडे का द नेक्स्ट डे या टूडे का दैट डे होगा, तो दैट डे यहाँ भी है, दैट डे यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही हैड एनी एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट टू स्कूल दैट डे। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों चीज़ एक ही लिख दी गई है, कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये दोनों चीज़ एक ही दिख रही है, और दोनों चीज़ अगर एक ही दिख रही है तो एक ही तो सही होगा, ठीक। तो ये दोनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है, इसमें एक मतलब दोनों सेंटेंस वह सेम टू सेम लिख दिया गया है, ठीक। तो इसको सेंटेंस चाहे बदल लीजिएगा और चाहे वो, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों,
आगे देखते हैं 15 नंबर, कह रहा है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड मी वेयर, चूंकि क्वेश्चन वर्ड है दोस्त, क्वेश्चन वर्ड उतार लिया जाएगा। फिर आगे देखिए, देयर इज नो नीड फॉर यू एंग्री सेड मिस्टर सेन टू हर हस्बैंड, तो मिस्टर सेन, अब चूंकि सेड टू को हमने कहा दोस्तों टोल्ड में बदल दिया जाता है, तो मिस्टर हस्बैंड टोल्ड मिस्टर सेन, ठीक, चलिए, या मिस्टर सेन टोल्ड हर हस्बैंड, ये भी सही है दोस्तों। अब देखिए, देयर इज नो, अब चूंकि इसमें कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें दोनों में से एक होगा, दैट हो गया। फिर देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी सो हंग्री, मतलब कि एंग्री, कोई आवश्यकता नहीं है इतना क्रोधित होने की। तो इज है दोस्तों, तो इज है, तो इज आर एम का वाज बेयर होगा। आप देखिए वाज बेयर कहाँ है, तो यहाँ पर इज है दोस्तों, अर्थात ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं वाज है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप कटिंग मेथड लगाते हैं, जो आपका गलत है उसको आप काट के अगर हल करते हैं, तो आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। जैसे लिखा है दोस्तों कि आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड, तो देखिए आई सेड गुड बाय मतलब बाय कर रहे हैं माई बिलव्ड फ्रेंड्स, तो आई, अब गुड बाय जब किया जाता है दोस्तों तो बेड किया जाता है, तो आई बेड माई बिलव्ड फ्रेंड्स गुड बाय, ठीक। आगे देखते हैं, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी आर लिविंग इन पेरिस, तो दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो ये गलत हो गया पहला दोस्तों। तो इन तीन में से कौन कोई होगा, तो ये दोनों भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा कौन सा दोस्तों, ये बचा, तो वर है, तो वाज वर जो है ये हमारा जब बदलेगा दोस्तों, तो हैड बीन और हैज बीन में बदलेगा, तो हैड बीन कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हेल्प, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी मान लिया है, यानी कि दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आई सेल से टू माई फ्रेंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर, तो आई सेल से टू माई फ्रेंड, तो आई सेल, हमने कहा दोस्तों कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आई सेल टेल को, मतलब से या सेज को टेल या टेल्स में बदल देते हैं, तो से टू को हम टेल में बदल देंगे दोस्तों, उसके बाद माई फ्रेंड है ही और इसका टेंस नहीं बदलेंगे, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग है तो इसमें टेंस वही रहेगा दोस्तों, ठीक। तो देखिए, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर और आई टेल, आई सेल टेल माई फ्रेंड दैट, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आगे वाला अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलते हैं। तो अगर आप नियम वाला वीडियो देख लिए हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। लिखा है दोस्तों, सितारा आस्क्ड मी हैव यू टेकन योर लैपटॉप, तो हैव लिखा है अर्थात इफ़ या वेदर होगा दोस्तों, तो इफ़ या वेदर तो हर जगह ही है दोस्तों। फिर आगे चलिए, हैव है तो हैड देखिए कहाँ, हैड यहाँ भी है, हैड यहाँ भी है, हैड यहाँ भी है, ये गलत हो गया। अब इसमें तीन में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हैड के बाद फिर अब स्टार्टिंग जो हो दोस्तों वो आपकी सब्जेक्ट से हो, तो इफ या वेदर के बाद दोस्तों स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होनी चाहिए, यहाँ भी सब्जेक्ट से है, यहाँ भी सब्जेक्ट से है, यहाँ भी सब्जेक्ट से है, ठीक है दोस्तों। अब आई यू है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के मतलब मी, और मी का मतलब कि सरिता ने मुझसे पूछा दोस्तों, तो मी का होता है आई दोस्तों, तो इसलिए या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है, ठीक। अब चलिए दोस्तों, आई हैड टेकन द लैपटॉप, आई हैड टेकन द लैपटॉप, सी आस्क्ड मी, अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों दैट और इफ दोनों लग गया है, इसलिए ये गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस, तो देखिए, तो ही
हाँ दोस्तों देखिए, वेलकम इन, तो ही सेड, ये तो होगा ही, वेलकम टू माई हाउस या वेलकम होम या यू आर वेलकम हियर, तो दोस्तों वेलकम टू माई हाउस ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे देखते हैं आगे, विनय टोल्ड मी दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर द डे बिफोर, तो हमने कहा दोस्तों कि क्या कह रहा है कि विनय टोल्ड मी, तो टोल्ड मी है तो सेड टू मी हो जाएगा, विनय सेड टू मी या विनय सेड लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, दैट लिखा है यानी साधारण वाक्य होना चाहिए, ही लिखा है ही फर्स्ट पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है दोस्तों। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर द डे बिफोर, तो ही मतलब कौन लिख रहा है पत्र, विनय लिख रहा है, ठीक, ही का मतलब कौन लिख रहा है दोस्तों, विनय लिख रहा है, तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर स्टडी, आई हैड बीन लिखा है दोस्तों, तो हैड बीन कब होगा, जब वाज या वर होगा, और वाज या वर हमको एक में ही मिल रहा है अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब, आपके पास दो तीन की पॉइंट है दोस्तों, या तो आप हेल्पिंग वर्ब के पास जाइए या तो आप दैट के पास जाइए, ठीक, तो ये सब आपके की वर्ड हैं कि आखिर ये बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्या लिखा है, हाउ लिखा है, इसका मतलब कॉमा एंड ऑर्डर कॉमा हटाने के लिए केवल हाउ का प्रयोग होना चाहिए, ये हाउ है लेकिन मच लिख दिया गया, गलत हो गया, वेदर है गलत हो गया, हाउ है लेकिन मच लिख दिया गया, गलत हो गया, हाउ है लेकिन मच लिख दिया गया, गलत हो गया। अब देखिए, अब जब हाउ के बाद मच, अच्छा ये हाउ मच है, देखिए एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, हाउ मच है तो हाउ मच रहेगा ही, अब अगर पूरा है हाउ मच तो हाउ मच साथ ही रहेगा, अर्थात केवल एक गलत होगा, ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। आगे चलिए, अब हाउ मच के बाद फिर जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, सेकेंड पर्सन मी, मी का मतलब आई होगा, हाउ मच के बाद आई कहाँ है, तो यहाँ पे ही है, गलत हो जाएगा, यहाँ पे आई है, यहाँ पर आई है। फिर देखिए हैव है तो हैड होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, लिखा है कि राधा सेड टू द मैनेजर वुड गो टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे, देखिए वुड लिखा है तो बिल होना चाहिए आपका, तो ये दोनों गलत हो गया, अब इस दो में से कुछ होगा, आवर मैनेजर बिल गो टू बॉम्बे तो, या बिल बी, तो बिल बी लिखा है ये भी गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं, राजू सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग टू रीड ए बुक दैट वीक, तो अब आप देख रहे हैं राजू सेड टू मी, तो राजू सेड हो गया, फिर देखिए यहाँ पे दैट है यानी कि साधारण वाक्य रहेगा, यहाँ पे वाज है तो वाज कब होता है दोस्तों, जब इज आर एम रहेगा, तो ये तीन ऑटोमेटिक गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा। ये सारे प्रश्न थे, इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है दोस्तों, वहाँ से इसको देख लीजिएगा, किसी भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे डाउट वाले पे अपना डाउट पूछिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो मिलेंगे वीडियो अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नमस्कार।